नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विवेक जी के एंड मैथ्स क्लास में। आज का ये वीडियो है संविदा शाला शिक्षक वर्ग 3, जिसमें मैंने विषय लिया है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को मैंने इसमें शामिल किया है। तो आइए हम क्वेश्चनों को देखते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न हम देख रहे हैं, बाल मनोविज्ञान के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन है बाल मनोविज्ञान में, अगला है शिक्षक मनोविज्ञान में, अगला है किशोर मनोविज्ञान में और अगला है कोई नहीं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन को यदि गौर से पढ़ते हैं, ध्यान से यहाँ पर पढ़ते हैं, बाल मनोविज्ञान के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन, तो यहाँ बाल मनोविज्ञान आया हुआ है। तो यहाँ पर जो आंसर मैच होगा वो हमारा ए नंबर का होगा, बाल मनोविज्ञान में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हम देख रहे हैं, यहाँ पर अगला प्रश्न है विनय साइमन स्केल 1908 है। तो यहाँ पर जो है एक स्केल की बात की गई है, विनय साइमन स्केल 1908। तो विनय और साइमन ने IQ बुद्धि लब्धि परीक्षण के लिए एक स्केल बनाया था 1905 में और इसको फिर रिवाइज्ड किया था 1908 में। तो यहाँ पर जो है हम देखते हैं, ऑप्शन है सामूहिक बुद्धि परीक्षण, अगला है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, निष्पादन बुद्धि परीक्षण और सभी। तो जो यहाँ पर जो स्केल बनाया था विनय और साइमन स्केल, जिसका नाम है विनय और साइमन ने बनाया था 1908 में, तो यहाँ पर जो स्केल के द्वारा जो व्यक्तिगत बुद्धि का परीक्षण किया जाता है, यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा बी, बुद्धि व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हम देख रहे हैं तीसरे नंबर का, बुद्धि परीक्षणों का जन्मदाता कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है वैसे तो स्केल बनाया था विनय और साइमन ने बनाया था दोनों ने, लेकिन जब हम जन्मदाता की बात करते हैं, बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता की बात करते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा सी, विनय। विनय ने जो है बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता विनय को कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हम देख रहे हैं चौथे नंबर का, वे विद्यार्थी जो अपनी बुद्धि तथा कल्पना से नवीन वस्तु का सृजन या निर्माण करते हैं, ऐसे विद्यार्थी कहलाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है प्रतिभाशाली विद्यार्थी, अगला है असाधारण विद्यार्थी, अगला है सृजनात्मक विद्यार्थी और अपराधी विद्यार्थी। तो यहाँ पर जो है यह प्रश्न को ध्यान से पढ़ते तो यहाँ पर वस्तु का सृजन या निर्माण करते हैं, सृजन और निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा वो आएगा सी नंबर का, सृजनात्मक विद्यार्थी कहलाएंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हम देख रहे हैं पांचवें नंबर का, यहाँ पर है नवीन एवं अमूल्य विचारों के सृजन करने की क्षमता क्या कहलाती है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन को हम देखते हैं, अंतर्दृष्टि, बुद्धिमत्ता और अगला जो है सृजनात्मकता, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर फिर हम प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं, नवीन एवं अमूल्य विचारों के सृजन करने की क्षमता क्या कहलाती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी आएगा, सृजनात्मकता, यहाँ पर सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा, सृजनात्मकता हमारा सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हम देख रहे हैं छह नंबर का, वुनर के अनुसार सृजनात्मकता का पक्ष है। यहाँ पर ऑप्शन दिए नवीनता, आश्चर्य, मौलिकता, सभी। तो यहाँ पर जो सभी, यहाँ पर जो आंसर डी नंबर का सभी आ जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं IQ बुद्धि लब्धि के आधार पर लोगों का वर्गीकरण करना है। हम पहले भी दूसरे नंबर के क्वेश्चन में इसको देख चुके थे कि IQ के बारे में विनय और साइमन ने स्केल बनाया था 1905 में बनाया था और इसको फिर रिवाइज किया था 1908 में। तो इसको नाम दिया गया था विनय साइमन स्केल 1908 नाम दिया गया था। तो इन्होंने जो स्केल के अनुसार जो है मापन किया है, तो आइए हम क्रमबद्ध रूप से इसको देखते हैं। तो यहाँ पर 140 या अधिक IQ वाले जो है प्रतिभाशाली जीनियस कहलाते हैं और 120 से 139 जिसकी IQ होगा वो अतिश्रेष्ठ, असामान्य कहलाएंगे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कहलाएंगे। अगला हम देख लेते हैं, इसी में हम आगे देखते हैं, 110 और 119 के बीच जिसका IQ होगा वो श्रेष्ठ, उच्च, सुपीरियर कहलाएंगे। 90 से 109 वाले सामान्य IQ वाले कहलाएंगे। 80 से 89 वाले मंद, पिछड़े हुए, बैकवर्ड IQ वाले कहलाएंगे। 70 से जो है 79 वाले जो अत्यंत पिछड़े, वेरी बैकवर्ड
आईक्यू वाले कहलाएंगे और 60 से 69 वाले सीमांत मंद बुद्धि बॉर्डर लाइन वाले आईक्यू वाले कहलाएंगे। और आगे हम देख लेते हैं तो यहाँ पर जो है 20 और 59 के बीच वाले जो है हीन बुद्धि के कहलाएंगे, आईक्यू वाले कहलाएंगे, और 20 से जो है कम वाले जो है वो जड़ बुद्धि वाले कहलाएंगे। तो यहाँ पर हमने 20 से स्टार्ट करके हमने 140 से अधिक वाले को हमने देख लिया है। आगे हम इसी को जो है आगे देखते हैं कि किस सूत्र के द्वारा, किस फार्मूले के द्वारा जो है आईक्यू निकाला जाता है। तो आइए हम यहाँ पर देख लेते हैं, अगला जो प्रश्न है इसी पे आधारित है। बुद्धि लब्धि आईक्यू परीक्षण बेनेवन साइमन ने विकसित किया था, इसका फार्मूला जो है क्या है, इसका फार्मूले के बारे में बात हो रही है। तो इसके फार्मूले को हम देख लेते हैं। आईक्यू बराबर है MA/CA × 100। ये हमारा यहाँ पर फार्मूला दिया गया है, आईक्यू का फार्मूला, आईक्यू बराबर MA/CA × 100। तो यहाँ पर आईक्यू क्या है, बुद्धि लब्धि बोला जाता है, और एमए क्या है, मानसिक उम्र मेंटल एज है। और यहाँ पर हम देख लेते हैं सीए जो है, सीए जो है वास्तविक या तैथिक एज है, इसको बोला जाता है क्रोनोलॉजिकल एज, यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, मान लीजिए यहाँ पर एग्जांपल के द्वारा हम समझते हैं। मान लीजिए किसी की जो है वास्तविक उम्र 12 वर्ष है, 12 वर्ष के बच्चे को हम लेते हैं, और जब उसका उसको हम देखते हैं उसकी मानसिक एज जो है 15 वर्ष के बराबर है, और 100 का गुणा करेंगे हम, डिवाइड करेंगे यहाँ पर जो है 12 से 15, 12 और 15 को 3 से जो है डिवाइड करते हैं, तो ये 4 टाइम जाएगा और ये 5 टाइम इधर चला जाएगा, और 4 से जो 100 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 25, और 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 125। तो इस प्रकार से जो है हम आईक्यू को निकाल सकते हैं, आईक्यू बराबर MA/CA × 100 वाले फार्मूले से। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात होगी, इस फार्मूले को किसने दिया था, विनय एवं साइमन ने दिया था, और फार्मूले को याद रखना है आईक्यू बराबर MA/CA × 100। इस प्रकार से आईक्यू निकाल सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हम देख रहे हैं यहाँ पर, बालक में चिंतन तथा तर्क का उद्देश्य है, ऑप्शन है समस्या को जटिल बनाना, संवेग को समाप्त करना, अगला है समस्या का समाधान करना, और अगला है सभी। तो यहाँ पर जो है चिंतन एवं तर्क का उद्देश्य होगा हमारा समस्या का समाधान करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर मौलिकता, प्रवाह, उपयोगिता और मितव्ययता, यहाँ पर जो संबंधित नहीं है हमारा डी नंबर का आंसर यहाँ पर आएगा, जो कि सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है, मितव्ययता जो है संबंधित नहीं है सृजनात्मकता से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हम देख रहे हैं यहाँ पर, अगला प्रश्न है, यदि किसी छात्र ने अपने वातावरण में सामंजस्य करना सीख लिया हो तो वह एक शिक्षक होने के नाते उसका विचार होगा कि, मान लीजिए कोई छात्र है और वो वातावरण से सामंजस्य करना सीख लेता है वातावरण से, तो शिक्षक की दृष्टि में क्या होगा, वह छात्र मंदबुद्धि, ऑप्शन देख लेते हैं, मंदबुद्धि, बुद्धिमान, अपनी आयु से अधिक बुद्धिमान, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा हमारा बुद्धिमान है, यदि वो सामंजस्य कर लेता है वातावरण से तो ऐसे विद्यार्थी को, ऐसे छात्र को कहा जाएगा बुद्धिमान, बी नंबर का आंसर यहाँ पर सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हम देख रहे हैं यहाँ पर, जीन प्याजे के अनुसार मानसिक विकास की अवस्था है, यहाँ पर ऑप्शन है संवेदी प्रेरक अवस्था, अगला है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अगला है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और सभी। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो सभी आएगा, यहाँ पर जो है हमारा डी नंबर का जो आंसर है सभी यहाँ पर आ जाएगा, सभी इसमें शामिल होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संज्ञानात्मक विकास को किसने जननिक ज्ञान मीमांसा के रूप में स्वीकार किया है, तो इसका सही आंसर हमारा बी नंबर का है, जीन प्याजे ने। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो हम देख रहे हैं यहाँ पर प्रश्न, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है,
ऑप्शन है अभियोग्यता का विकास, अगला है बच्चे का विकास, अगला है शारीरिक कौशल का विकास, अगला है व्यक्तिगत विकास। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा हमारा संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है अभियोग्यता का विकास, ए नंबर का यहाँ पर हमारा सही आएगा आंसर। आगे देखते हैं 15 क्वेश्चन। संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? ऑप्शन है शैशवावस्था, युवावस्था, बालावस्था, किशोरावस्था। तो यहाँ पर जो किशोरावस्था जो होती है 10 साल से 19 साल के बीच में जो है हम किशोरावस्था कहलाती है, और इस समय जो है शारीरिक परिवर्तन, मानसिक एवं भावनात्मक परिवर्तन और सामाजिक परिवर्तन बहुत तेजी से होते हैं। तो संवेगात्मक परिवर्तन जो है भावात्मक परिवर्तन के अंतर्गत शामिल होगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा सी नंबर, सॉरी डी नंबर का, किशोरावस्था में संवेगात्मक परिवर्तन जो है अत्यंत तीव्र होते हैं। बात कर लेते हैं इसके विपरीत कि संवेगात्मक परिवर्तन किस अवस्था में सबसे कम होगा, तो वो होता है शैशव अवस्था में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं। किसी सृजनशील बालक का लक्षण है लचीलेपन का अभाव, जिज्ञासा, समस्या के प्रति सजग न होना, गत्यात्मकता का अभाव। तो यहाँ पर जो है सृजनशील बालक का लक्षण होगा जिज्ञासु प्रवृत्ति का होगा, जिज्ञासा होगी उसके अंदर। तो यहाँ पर जो है बी नंबर का आंसर हमारा सही आंसर यहाँ पर होगा। तो इस प्रकार से हमारा बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का पहली सीरीज यहाँ पर समाप्त होती है। आने वाले समय में जो है मैं और भी इसकी सीरीज लेकर के आऊँगा, और पर्यावरण और अन्य भी सब टॉपिक को लेकर के संविदाशाला वर्ग 3 के लिए मैं लेकर के आने वाला हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।